किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, बस मेरी एक बात मान लो, उससे ज्यादा कुछ मत करो तुम, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है, इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे, इतना जान लेना, तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी। सर ऐसे ही होती है, जय हिंद फ्रेंड्स। नहीं मैं तो कहता हूं मुझसे पूछा तो रहा करो, क्योंकि हर आदमी ओमनीसिएंट नहीं है। मैं भी तुम लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं, इस दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम पढ़ते हो, तुम किसी पर्सपेक्टिव से सोचते हो, हो सकता है मैंने उस पर्सपेक्टिव से ना सोचा, तो जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो मैं भी तुमसे कभी कभी सीखता हूं। ना आने का मतलब कुछ बुरा थोड़ी होता है, हर आदमी को सब कुछ थोड़ी आता है। इस फील्ड की जो विधा है, इस फील्ड में जीता कैसे जाता है वो मुझे पता है। हो सकता है मुझे हिस्ट्री कुछ भी ना पता हो, लेकिन इस फील्ड में जीता कैसे जाता है, कैसे आईएएस पे सिलेक्शन होता है, क्या करना पड़ता है, वो चीजें मुझे पता है बस। तो इसलिए मैं हमेशा तुम लोगों से क्लास में कहता हूं कि क्वेश्चन पूछते रहा करो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं, नहीं आएगा मैं तुमको सॉरी बोलूंगा, मैं पता करके आके फिर तुमको बताऊंगा, वो कोई मुद्दा नहीं। इस एग्जामिनेशन में इतना पढ़ना थोड़ी है, यहां जितने लोग तुम लोग आते हो, बस मेरी एक बात मान लो, क्लास वर्क और होमवर्क और सिलेक्शन अगर नहीं होगा ना, तुमको 2 साल का खर्चा देंगे 30,000 रुपए महीने के हिसाब से। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आज इकरा में मान लो 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है बहुत आ रहे हैं, ये 100 वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में खतरा ले रखा है कि पैसा डूब जाएगा तो। लेकिन चलो, जब तुम कोई बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हारा बिजनेस पहले दिन में नहीं खड़ा होता, बिजनेस का पहला चरण है फेथ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में है तो लोग उनको पास जाएंगे। जब आदमी पैसा देता है तो कहता है कि यार जिसका नाम है उसके पास चलो, नहीं। लेकिन जब तुम यहां आ ही गए हो, पैसा खर्चा ही कर दियो, तो मेरी एक बात मान, क्लास वर्क और होमवर्क उससे ज्यादा कुछ मत करो तुम, और न्यूज़पेपर, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, गारंटी। हम अपनी गारंटी ले रहे हैं, अपनी, और आज से प्रयोग नहीं कर रहे, पिछले 15 साल 20 साल पढ़ाते हो क्या, 15 साल से प्रयोग कर रहे, 15। चाय है तुम सिर्फ क्लास वर्क होमवर्क न्यूज़पेपर कर लो, गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन हो। ये हिंदुस्तान में जो 10-20-50 लोग मुझे मानते हैं उसकी वजह यही है, किसी डॉक्टर की जब दवा सूट कर जाती है तभी तो दोबारा तुम उस डॉक्टर के पास जाते हो। इस एग्जामिनेशन में तुम बहुत पढ़ नहीं पाओगे, इतना जान लेना। हाँ, जब तुम्हारी जो क्लास में इकोनॉमी पढ़ाई गई है वो कंसोलिडेट हो गई, हजम हो गई, उसके बाद जब तुम दत्ता सुंदरम उठाओ, अब तुम्हारी, तुम सोच के देखो, तुम्हारा नेशनल इनकम चैप्टर क्लियर है, सब पता है तुम्हें, अब तुमने दत्ता सुंदरम की किताब उठाई पढ़ने के लिए, इतना देर लगेगा 10 मिनट, क्योंकि सब तो समझ में पहले से है, नहीं समझे, समझ गए ना, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तुमने कंसोलिडेट कर लिया, हजम कर लिया, फिर किताब उठाया, कितना देर लगेगा, 10 मिनट। तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है
इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे रास्ते से हो जाएगी? सर ऐसे ही होती है। जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जितनी छोटी छोटी अचीवमेंट है उनके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। नियम है इस संसार का। यहां सबको बोलो भैया मैं सच बोलता हूं, तुमको लोग कहेंगे कि झूठा एक नंबर का है, और तुम सबसे बोलो कि मैं झूठ बोलता हूं तो लोग कहेंगे बहुत सच बोलता है ये आदमी। ये अजीब सा खेल है, अजीब सा। एनसीईआरटी में कितनी बार तुम लोगों को बोला हूं, एनसीईआरटी मतलब सोचने का तरीका, एनसीईआरटी मतलब आधारभूत ज्ञान। जितने लोग एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं आईएएस की कोचिंग करने से पहले, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तुम इमेजिन करो तुम पॉलिटी की क्लास में जाके बैठे तो तुमको पता ही नहीं लोकसभा क्या है, तो टीचर जो समझाएगा तुमसे कनेक्ट हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम कंसेंट्रेट करोगे। नहीं करोगे फिर तो 50% तुम सीख के आए थे और 50 तुमने क्लास में सीख लिया, जड़ मजबूत हो गई कि नहीं हो गई? किसी को भी आईएएस बनना है पहले अटेम्प्ट में, वो अपनी एनसीईआरटी पर कमांड बना ले। अब जैसे पहला चैप्टर है विपिन चंद्रा का, क्लास 12th वाली एनसीईआरटी है ना विपिन चंद्रा, उसका पहला चैप्टर है 18वीं शताब्दी का भारत, है ना। अब वो चैप्टर जब तुमने खत्म किया तो पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, यही तो पहली हेडिंग है। दूसरी चीज क्या क्लियर होनी चाहिए, क्षेत्रीय राजवंश, राजपूताना, अवध। पढ़ी हो कभी एनसीईआरटी? बताओ अवध के बारे में। तुमने पढ़ा ही नहीं, बस तुमने पढ़ा इस उद्देश्य से, तुमने इस उद्देश्य से तुमने नहीं पढ़ा। तुमने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा तुमने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा, पर तुमने उद्देश्य विहीन होकर पढ़ाई की, तुम्हारा पढ़ना बेकार चला गया, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। अरे भैया चैप्टर जैसे जब तुम मनोहर कहानियां पढ़ते हो, सत्य कथा पढ़ते हो, तो उसमें क्या लिखा होता है? उसकी टाइटल होती है, उसी टाइटल से प्रभावित होकर तो पढ़ते हो, नहीं? बंबई की हसीना ने हंगामा मचाया, अब तुम उसमें क्या खोजोगे कि इस हसीना ने हंगामा कैसे मचाया? दो ही चीज तो खोजोगे, किसी भी किताब की जो टाइटल होती है, किसी भी चैप्टर का टाइटल होता है, वो यही तो तुमको बताता है। जब कार्ड शादी का छपवाते हो तो उस पर लिखवाते नहीं हो शुभ विवाह, नहीं तो हर आदमी पूछे ना कि भैया काहे दे रहे हो कार्ड, तो जब कार्ड देते हो तो उस पर लिखा होता शुभ विवाह, कहता अच्छा किसका है, कहता मेरे पापा का, अच्छा अच्छा अबे दे दिए कार्ड पढ़ लो किसका है, अब सब इंक्वायरी करोगे? तो किस कोई भी चैप्टर की जो टाइटल होती है वो टाइटल ये बताती है कि इस चैप्टर में ये चीज। अब 18वीं शताब्दी का भारत तो किस किस स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पे, समाज के स्तर पे, तो पता कर लो। नहीं बंबई की हसीना ने मचाया हंगामा, तो एक चीज उसमें क्या है, हसीना, दूसरा क्या है, हंगामा। तो अब तुम कहानी पढ़ोगे कि कैसे मचाया भाई, तो वही तो ढूंढोगे,
हंगामे वाले पॉइंट ही तो ढूंढोगे।